हे एवरीवन, मैं संतोषी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल माय कॉलेज पढ़ी में। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे BPIT यानी कि भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके कट ऑफ के बारे में बताएंगे, इसके प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे, इनके कोर्सेज के बारे में बताएंगे और उन कोर्सेज में कितनी सीट्स जो खाली हैं वो बताऊंगी कि ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ पाएँ कि कितनी सीट्स हैं उसमें और ईजिली जो है अप्लाई कर पाएँ उन कोर्सेज के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि BPIT यानी भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया था 2006 में। एंड देन अगर बात की जाए कि ये जो है ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसकी लोकेशन की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में है ये इंस्टीट्यूट। वहीं बात करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट को रैंकिंग कितनी दी गई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं 2021 में जो है इसे 251 से 300 के बीच में रैंकिंग दी गई है। IP यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि इस इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन लेने के लिए आपको JEE मेंस का एग्जाम देना जो है वो कंपलसरी है। वहीं अगर बात किया जाए कि काउंसलिंग की, तो IP यूनिवर्सिटी में जो है इनका खुद का काउंसलिंग होता है, खुद का एग्जाम, ये एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है ये इंस्टीट्यूट, और आप लोगों को एडमिशन के लिए इसमें JEE मेंस का एग्जाम जो है देना वो कंपलसरी है, अदरवाइज जो है आप इंस्टीट्यूट में एडमिशंस नहीं ले सकते। वहीं बात की जाए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 12th क्लास में जो है आप लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 55% होना जरूरी है, अदरवाइज जो है आप लोगों को इसमें कहीं ना कहीं एडमिशंस में आगे जाके थोड़े से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है आप लोगों को पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। साथ में अगर इसके स्पेशलाइजेशन की बात करें तो BTech जो है 4 years की है और जो कोर्सेज आप लोगों को इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं इस इंस्टीट्यूट में, तो वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये सारे कोर्सेज जो है आपको इस इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि इन कोर्सेज के लिए इस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स खाली हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो है 180 सीट्स खाली हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तो उसमें जो है 160 सीट्स खाली हैं। वहीं अगर बात की जाए ECE यानी कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो जो उसमें है 120 सीट्स जो है वो खाली है इस इंस्टीट्यूट के अंदर इन कोर्सेज के लिए। साथ में अगर बात करें कि IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितनी सीट्स खाली है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है 180 सीट्स खाली है, यानी कि टोटल सीट्स देखी जाए इन कोर्सेज के लिए तो 540 सीट्स जो है वो खाली है। इन कोर्सेज के लिए आप इस इंस्टीट्यूट में जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 540 सीट्स खाली, इतनी ज्यादा सीट्स खाली है नहीं, जो है अप्लाई ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें कर सकते हैं। अगर ज्यादा अच्छे स्कोर आपने जो किए हैं अपने सब्जेक्ट्स में, तो आप जो है इन कोर्सेज को इजिली इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा सीट्स इसमें खाली है नहीं, 540 टोटल सीट्स हैं। जल्दी अगर अप्लाई करेंगे इस इंस्टीट्यूट में तो जो है आप इन कोर्सेज को लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. तो मतलब देखा जाए तो कम सीट्स भी हैं और जो है इजिली इस इंस्टीट्यूट में एडमिशंस जो है स्टूडेंट्स को नहीं मिलते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको स्कोर बहुत ज़्यादा करना होता है और कहीं ना कहीं इतनी सीट्स खाली नहीं होती है इस इंस्टीट्यूट में एडमिशंस के लिए, तो इसीलिए एडमिशन जो है इजिली नहीं मिल पाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया JEE मेंस का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है इस इंस्टीट्यूट में, तभी जो है आप लोग को इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल पाएगा उन्हीं के एंट्रेंस एग्जाम के जो स्कोर होगा उसके बेसिस पर। साथ में जो है इंग्लिश में पास होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंस्टीट्यूट के लिए। और 12th में भी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी 55% होना जो है कंपलसरी है, होने ही चाहिए इतने मार्क्स, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको जो है एडमिशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। कि वन टाइम रिफंडेबल यानी कि 5000 जो है वन टाइम रिफंडेबल है, जो भी आप कोर्स करेंगे वो कंप्लीट होने के बाद आपके रिफंड कर दिए जाएंगे जो भी आपके 5000 रुपीज आपने पे किए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि ट्यूशन फी पर ईयर जो है आप लोगों की वो है 97,800। यूनिवर्सिटी फीस की बात करें पर ईयर की तो वो है 15,000। अगर बात करें अदर फीस की तो वो है हमारा 6,000। तो वहीं बात की जाए अगर टोटल फीस ये सारी कितनी होती है, तो 1,23,800 जो है टोटल फीस है। जो भी स्टूडेंट्स अगर इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका जो फीस है वो इतनी है, दोबारा बता देती हूँ, 1,23,800 जो है टोटल फीस।
चीज है। साथ में मैं बता दूं आप लोगों की जो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो कट ऑफ जाती है, उनकी रैंकिंग जो जाती है इतनी ज्यादा हाई नहीं जाती है, बट जो इनसाइड दिल्ली के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी रैंकिंग काफी ज्यादा हाई जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वगैरह या यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो है इनसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, इस वजह से जो है उनकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती है। आउटसाइड स्टेट के जो मतलब बाहर के होते हैं कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई नहीं जाती है जितनी ज्यादा हाई इनसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए जाती है। इस वजह से जो इनसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं एडमिशंस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और इतना ज्यादा स्कोर जो है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं नहीं कर पाते कॉम्पिटिशन की वजह से, और इसलिए उनको एडमिशन मिलने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो एससी कैटेगरी के होते हैं कैंडिडेट उनकी भी रैंकिंग इतनी ज्यादा हाई नहीं जाती है, अगर वो कम स्कोर भी करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपने एससी मेरिट बेसिस पर जो है एडमिशंस मिल जाते हैं, एससी के उस पे भी कोटे पे भी उनको एडमिशन मिल जाते हैं। वहीं अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनके जो स्कोर हैं वो काफी ज्यादा उन्हें हाई लाना होता है एससी के कंपैरिजन, तो इस वजह से उनको भी कहीं ना कहीं एडमिशन जल्दी नहीं मिल पाते हैं। बट एससी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो होते हैं उन लोगों को ईजी एडमिशन जो है मिल जाते हैं, और इस इंस्टीट्यूट का जो प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा मतलब सही है, काफी हद तक भी सही है। तो मैं यही बोलूंगी कि इस इंस्टीट्यूट में जो है ईजी एडमिशन नहीं मिलते हैं, पर फिर भी अगर स्टूडेंट्स जो है अच्छा स्कोर करते हैं तो वो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूट काफी अच्छा है, प्लेसमेंट भी इसकी काफी सही जाती है, बट वही है कि जो कोर्सेज के लिए जो सीट्स हैं वो ज्यादा खाली नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है वो कोर्सेज के लिए रह जाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और भी कोर्सेज के लिए देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूट जो है काफी अच्छा है, इसकी फैसिलिटीज भी काफी अच्छी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये इसमें आप जो है इजिली अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूट जो है काफी अच्छा है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी कोर्सेज या कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दे दिया गया है, देन फिल आउट दिस फॉर्म, एंड फ्री एनालिसिस एंड एक्सपर्ट काउंसलर भी हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इजिली क्लियर हो जाएंगे। बट वही आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल करना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोज हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें जिससे आप लोग जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियोज चाहिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज जो है वो आगे मिलती रहे।